चल मना रे, आँख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझड़ मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। मुझे जागीर की फिक्र नहीं है, फैक्ट्री की तरफ से बहुत परेशान। अलीद खान ने फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। मिस्टर मैनेजर, गोदाम में अगर माल सड़ गल जाए उससे बेहतर है कि कम प्राइस में बिक जाए। सर जैसे आपका हुक्म। एक बार तगड़ी सी डकैती हो जाए तो ठाट से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। पता है ना कितनी लंबी सजा है, रिस्क है भाई। जो इंसान रिस्क नहीं लेता ना वो तो पूरी जिंदगी सिसक सिसक कर जीता है। मुझे पता चला है कि आबिद हजूर आ रहे। सुना तो मैंने भी यही है। हो दिल दे आखे लगे आ जेड़ा, इश्क प्याला पीता, होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यार ही कीता, यार यार ही कीता। अदील क्या अम्मी, खैरियत तो है? अबू की तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा सब खैरियत है, तेरे अबू की तबीयत भी ठीक है, मगर मुझे तेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लगी। क्या बात है बेटा, अपनी माँ को बता ना। नहीं अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ मैं। झूठ ना बोल, बता ना क्या मसला है। अरे अम्मी कोई मसला नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, सारी सारी रात तू जागता रहता है, ना पहले की तरह माँ से बात करता है, ना हंसता है। बताएगा नहीं, अपनी माँ को तो बता दे क्या बात है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैंने एक बिजनेस प्लान किया है तो बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। नहीं बेटा, प्लान तो तू पहले भी बनाता था ना, पर तेरी ऐसी हालत तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ ये कुछ मुख्तलिफ चीज है। अच्छा चल तेरी मर्जी, अगर नहीं बताना चाहता तो ना बता, पर देख अपने अब्बा के सामने ऐसी सूरत बना के ना आया कर, वो तो पहले ही बीमार हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं। अच्छा तो फिर उनके सामने एक्टिंग कर लूंगा। ना? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, रात हो गई, अब जाएं सो जाएं। चल ठीक है, पर तू भी सो जा बेटा। हैं? जी जी मैं सो रहा हूँ। सो जा मेरा, अब जाए। जैसे ही पैसे अरेंज होंगे हम वर्कर्स की सैलरी अदा कर देंगे। सर दूसरा महीना शुरू हो चुका है, 5 दिन बाद नए महीने की तनख्वाह भी ड्यू हो जाएगी। बहुत परेशान कर रहे हैं वर्कर सर। मैं भी परेशान हूं, अब सैलरीज में अपनी जेब से अदा नहीं कर सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने मार्केट से कितना क्रेडिट लेना है। ये रिकवरी वाले क्या कर रहे हैं? सर पिछले मंथ काफी पेमेंट्स आई हैं, मगर फैक्ट्री के और भी बहुत से अखराजात होते हैं। माफी चाहता हूं सर, आप मालिक हैं, कहाँ पे कितना खर्च करना है ये आपका फैसला है। पिछले महीने भी बिजली और गैस का बिल अदा नहीं किया गया, और अगर इस महीने भी पेमेंट ना की गई तो लाइन कट भी सकती है सर। ठीक है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अब यही होगी कि हम ये बिल्स एज सून एज पॉसिबल अदा कर सकें।
आप मुझे इसकी कुल पेमेंट बताइए, मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। और सर सैलरीज? वर्कर से कहें कुछ दिन और सब्र कर, जैसे ही रिकवरी होती है उनकी सैलरीज अदा हो जाएंगी। जैसे आपका हुक्म सर। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मेरे आदमी ने बताया है कुछ लोग मजदूरों को हड़ताल के लिए भड़का रहे हैं। कौन है वो? अभी सर कुछ क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन जल्द पता लग जाएगा। हमारी फैक्ट्री में यूनियन बाजी की इजाजत नहीं है, फिर ऐसी साजिश कौन कर रहा है? सर तनख्वाह न मिलने की वजह से कुछ लोग मौका से फायदा उठा रहे हैं। अगर मजदूरों को आधी तनख्वाह मिल जाए तो मसला हल हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मुराद इन गंदी मछलियों को निकालना है। मानूर बैठो, क्या हुआ? क्या कोई ख्वाब देख रही थी? नहीं, बस आंखें बंद की थी। ख्वाब बंद आंखों में ही आते, मगर याद रखो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहने वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे नफरत है ख्वाब देखने वालों से। जी मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा कोई ख्वाब नहीं देखूं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अपने बेडरूम में जाकर सो। बच्ची नहीं हो कि जहां बैठी सो गई। और कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? जमीनों पर। मैं चाहती हूँ कि अब तुम जमीनों के मामलात में दिलचस्पी लो। तुम्हारे खेलने कूदने के दिन खत्म हो गए हैं, समझी? तो वो लड़की तेरे दिलो दिमाग पर चढ़ गई है। तो और क्या बकवास कर रहा हूं तुझे? बकवास तो मुझे तेरी बातें लग रही हैं। भाई ऐसा फिल्मों में होता है, बड़ी मालकिन को पता चल गया ना तो कि उनकी नवासी के बारे में क्या सोच रहा है, हम दोनों का नामो निशान मिटा देंगी। हंदी लगी है क्या? ये सब पहले जमानों में होता था, इन लोगों के आगे कोई बोलता नहीं था, बड़े बादशाह बने हुए थे ये। क्या फर्क पड़ता है, हुकूमत में तो अभी भी इनके भतीजे बांझे हैं। तूने भी तो मास्टर्स किया है फर्स्ट क्लास में, नौकरी क्यों नहीं मिलती? ये छोड़ेंगे तो तुझे नौकरी मिलेगी ना। मोहब्बत में ही बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। बादशाहों ने इसके लिए तख्त व ताज छोड़ दिया था। और तेरे पास है क्या भाई अपना घर छोड़ने के अलावा, वो भी तेरे अब्बा पर है? कब तक तुझे बर्दाश्त करता है? वैसे शायद ये नौबत भी ना आए, तुझे खुद ही घर से निकाल दे। तू कैसा दोस्त है यार, मेरी बात ही नहीं समझ रहा। जिस दिन से मैंने शहजादी को देखा ना बहुत अपसेट हूं। कुछ कर यार, मुझे उससे मिलना है, प्लीज कुछ कर ना। अरे पागल हो गया क्या, वो कोई आम लड़की नहीं है, खानों की इज्जत है वो। उस दिन देखा नहीं था कितने गार्ड्स थे उसके साथ? तो कोई बात नहीं, हम हवेली जाके मिल लेंगे और तुझे मेरे साथ चलना होगा, समझा? ओ भाई पागल हो गया क्या, मुझे साथ लेके जाएगा हवेली? माफ कर,
फैक्ट्री के मुलाजमीन हड़ताल पे है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी वलीद खान नीची आवाज में बात करो, इस हवेली में किसी की जुरत नहीं है मेरे सामने बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात करें। जहां तक कसूर का ताल्लुक, सरासर कसूर तुम्हारा। जब वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, तो क्या खाक काम करेंगे वो? आमदनी होगी तो तनख्वाहें दूंगा ना बीजा, आप अपनी जेब से तो नहीं दे सकता। सुन रहे हो मुजफ्फर खान, इनकी जेबें तो उस वक्त खाली हो गई थी जब तुम्हारे भाई साहब जिंदा थे। सारी जायदाद लुटाकर भी इसको अकल नहीं आई है। वलीद खान, बहुत मायूस हूं मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। माफ कीजिएगा बीजा, आपने कौन से अपने खजानों के मुंह खोल दिए हमारे? एक लुटी पुटी फैक्ट्री हमारे हवाले कर कौन सा एहसान किया? किया है, एहसान किया है। याद है तुमको कि तुम्हारे पास जेब खाली अगर हो जाती सड़कों पर होते तुम लोग। किसने बचाया तुम्हारी हवेली को कुर्की होने से, बताओ किसने बचाया? वलीद खान, तुम फैक्ट्री चलाने में नाकाम हो गए हो। बेहतर होगा कि फैक्ट्री के कामों से तुम दस्तबरदार हो जाओ। जानता था बेशा कि आप यही चाहते हैं। मुझे शुभा था फैक्ट्री के मुलाजमीन की हड़ताल के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? आपको यह बताने की जरूरत है बीजा कि फैक्ट्री के मुलाजमीन को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। वलीद खान, खामखा का तनाजा मत खड़ा करो, मैं जो कुछ फैसला कर रही हूं तुम्हारे हक में होगा। कैसा फैसला? आबिद खान वापस आ रहा है, अब फैक्ट्री का कारोबार वो संभालेगा। आबिद खान क्या करेगा उसका फैसला मैं करूंगा बीजान, मेरा बेटा है वो। सिर्फ पैदा करने से बाप नहीं बन जाता, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं वलीद खान जो पूरी करनी होती। आबिद खान को मैंने पाला है, मैंने। आबिद खान अभी बच्चा है बीजा, कोई तजर्बा नहीं है उसे। ठीक है, मुझे पता है वो ना समझ है, लेकिन वो तुमसे बेहतर फैक्ट्री का काम संभालेगा। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है बीजा, और बेहतरी इसी में है कि आप फैक्ट्री के मामला से जरा दूर ही रहे। मेहरबानी होगी आपकी बीजान, चलता हूं। मुजफ्फर खान, परेशान मत हो, आबिद खान आएगा तो वलीद खान से खुद फैक्ट्री लेगा। चलना डरपोक, अबे कितना बड़ा किला है, इसमें घुसने के लिए तो पूरी फौज चाहिए। और तुझे तो पता है मुझे मुश्किल काम करने में कितना मजा आता है। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, इस पे तो स्पाइडरमैन ही चढ़ सकता है। मेरे बस की बात नहीं। और इन दीवारों के पीछे मेरी शहजादी क्या है? हवेली में बस 3-4 लोग रहते हैं, बाकी गार्ड्स हैं और नौकर हैं। मान गए उस्ताद, फिर तो अंदर घुसने का रास्ता भी ढूंढ निकाला होगा। हो
वो भी निकल ही आएगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना है। काम? कैसा काम? तुझे 4-5 दिन तक ये नोटिस करना है कि कौन इस घर में किस टाइम आता और जाता है, सही है? इसका क्या फायदा? फायदा हो सकता है ना, हो सकता है हमें कोई काम की बात पता चल जाए जिससे हमारा अंदर जाना आसान हो जाए। तू कह रहा है तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। तेरी शहजादी तुझे घास भी नहीं डालेगी। बेटा मैं तेरी तरह घास खाता भी नहीं हूं। अब चल के इससे पहले हमें कोई देख ले। चल। चलो सब। वो देख रही हो पीछे, वो बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं तुम्हें खेत, वो सारा वहां से लेके वहां तक सब गेहूं लगा हुआ है। हो दिल दे आखे लगे आजे इश्क पया। हटा यहां से, तोड़ दूंगा ज्यादा गड़बड़ की तो। तेरा शहजादी होगी अपने घर में, हम लोग इंसान नहीं है क्या? और सबक ना पड़े आखो यार यार ही कीता हो यार यार ही कीता। देखा तुमने फिर? कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं सुन रही थी माँ जानी, मैं आराम करने जा रही हूँ। छुट्टी मालकन, अगर आप हुक्म दें तो आपका कमरा भी खुलवा दें। कमरा खुलवा कर क्या करना है, उससे बेहतर है मैं कुछ देर आपके साथ गपशप कर लूं। मेरे साथ गपशप? मैं इस काबिल कहाँ हूँ। अभी सारे रास्ते हम फसलों की बातें करते हुए आ रहे थे, वो भी तो गपशप ही थी। ओ, फसलों के बारे में आप जो पूछे मैं हाजिर हूँ। वो बातें तो हो गई, आज मुझे आपसे कुछ और पूछना है। वो क्या छुट्टी मालकिन? आपको याद है उस दिन जब हम खरीदारी के लिए गए थे तो वो लड़का गार्ड से क्यों लड़ रहा था? वो ऐसी दिमाग खराब लड़का था, गार्ड ने उसको रोका अंदर जाने से तो बिला वजह गार्ड के साथ लड़ पड़ा। बिला वजह तो नहीं गुल बाबा, वहां पर खरीदारी करना सबका हक बनता है। छुट्टी मालकिन, जब खानों की खवातीन उधर खरीदारी कर रही हो ना तो फिर गैर मर्दों का उधर आना मना होता है। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन ये आपके खानदान की बरसों पुरानी रिवायत है, इसकी फासदारी आपको भी करनी है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही गुल बाबा, सबको इज्जत और आजादी से जीने का हक है। छुट्टी मालकन, आराम से बात करें, बड़ी मालकन ने सुन लिया ना गुस्सा करेंगी। अभी तो हमने इस वाकये का उनको नहीं बताया है, वरना उस लड़के को तो अब तक अपने किए की सजा मिल चुकी होती। अच्छा कि आपने नहीं बताया। वैसे आप जानते हैं उस लड़के को, कौन है वो? इस इलाके के हर आदमी को मैं जानता हूँ, उसका बाप भी ऐसी सर पेरा इंसान है, वो सलामत यूसुफ जई। चल मिठाई, ये कौन लाया है? नुमान लाया है, कह रहा था कि उसे कंपनी में नौकरी मिल गई है। तुमने मिठाई का डिब्बा देखा फौरन रख लिया, हालांकि तुम्हें पता भी है कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। ओहो, तुम्हें तो टिंडे भी पसंद नहीं है, मगर जब मैं बनाती हूँ तो तुम खा लेते हो ना? मजबूरन खाता हूँ ना। हाँ तो ये भी मजबूरी है ना, तलाक याफ्ता लड़कियों के रिश्ते आते ही कहाँ है। ये लड़का तो बहुत अच्छे खानदान का। खानदान तो हमारा भी बुरा नहीं है, लेकिन अपने साहबजादे की हरकतें देखी हैं। उसे छोड़ो ना, रिदा की बात करो इस वक्त। लगता है कि आजकल फिर से तुम रिदा की शादी के बारे में परेशान रहने लगे। हाँ तो क्या सारी जिंदगी उसे घर बिठाए रखेंगे? भाई हमने तो वक्त पे शादी कर दी, लेकिन उसकी तकदीर ही बुरी निकली है।
क्या जिस लड़की को तलाक हो जाए उसकी तकदीर में दोबारा शादी नहीं लिखी होती? मैंने कब कहा है कि शादी नहीं लिखी होती, लेकिन एक बार गलत फैसला करके हमने चोट खा ली है ना। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि इस दफा भी फैसला गलत ही हो। ख्याली पुलाव मत पकाओ। अभी तो ये भी पता नहीं है कि नौमान का रुझान है भी कि नहीं है। है उसका रुझान, क्यों नहीं होगा? आखिर हमारी रिदा में किस चीज की कमी है? हाँ सही कह रही, कमी तो कोई नहीं है। अच्छा मैं जरा वजू कर लूँ, तुम एक कप चाय दे दोगे मुझे? अभी लाई। रहीम गोल। जी मलिक। गोदाम की दीवार टूट रही है, बरसात से पहले उसको मरम्मत करवाओ। मलिकन मैंने मिस्त्री को बोल दिया है और ईंटों का ऑर्डर भी कर दिया है। हाँ ठीक, तू ऊपर क्या कर रही थी इस वक्त? सलाम मालकिन, छोटी मालकिन को जगाने गई थी। सो रही है वो अभी तक? जी मालकिन, चंद दिनों से वो देर से ही उठती हैं, मालूम नहीं क्यों। ये क्या हो रहा है रहीम गोल? मालिकन मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये पूरी बात किया करो रहीम गुल, ये लेकिन वेकिन पे बात मत छोड़ा करो। वो एक दिन मैं छोटी मालिकन को दूध देने के लिए उनके कमरे में गया था तो वो कुछ परेशान थी। मैंने पूछा तो बोला कि हवेली की खिड़की में कोई नजर आया था। क्या बकवास कर रहे हो, हवेली में किसकी जरूरत है आने की, किसको देखा है? अमेरिकन हवेली थोड़ी पुरानी है, हो सकता है कोई साया वगैरह हो। और शट अप, साया किस किस्म की बातें कर रहे हो, मैं नहीं यकीन करती इन बातों पर। अमेरिकन एक बात आपसे कहूं, अगर आप नाराज ना हो जाएं तो। बोलो। अमेरिकन वो छोटी मालिकन को बाहर निकलने की आजादी। रहीम गोल होश में रहो। अमेरिकन असल में मुस्तकिल कमरे में रहने से भी दिमाग में वसवसे पैदा हो जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है रहीम गोल कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपना बेटा खोया है, मैं अपनी पोती नहीं खो सकती। उसकी माँ और वैसे एक काम की बात पता चली है, हवेली में घर के दो चार लोगों के अलावा कोई आता जाता नहीं है। यार मेरी मान, घर में घुसना नामुमकिन है। घर में तो घुसेंगे, लेकिन पुराने जमाने के चोरों की तरह। मतलब हम चोर हैं? हाँ। पागल हो गया क्या? मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। सीधे रास्ते से चलना है तो चल, वरना तेरे रास्ते अपना मेरा अपना। चोरों की तरह डरपोक साला। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे खानदान में जुबान ही सब कुछ होती है। वलीद खान की गर्दन कट सकती है, लेकिन वो अपनी जुबान से नहीं फेंक सकता। बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है? अल्लाह ने दीवान। शुक्र है आप तशरीफ ले आई हैं। बेगम साहिबा, 30 साल हो गए हमारी शादी को, आधे से ज्यादा वक्त तुमने अपने बिनाव संघार में गुजार दिया। कुछ अपने मजाजी खुदा का भी ख्याल कर। 30 साल गुजरने वाले हैं, आप बूढ़े होने लगे हैं, आपके बाल तक सफेद होना शुरू हो गए, उसके बावजूद आपको मुझसे ये शिकायत है कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती।
आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी फरजाना जैसी बीवी है जिसने इतने सालों में कम से कम जानता हूँ शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती और ये बात तुम्हारे मुंह से मैं 30,000 बार सुन चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला आ जाए तो बीवी से मशवरा करना जरूरी नहीं समझते आप? कैसा मसला? फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है और पैसे भी रोक दिए ना बीजान ने। अच्छा, तुम्हें ये बात किसने बताई? वो बात आप छोड़ दे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा ही कुछ है ना। हड़ताल की बात तो सबको मालूम है, लेकिन पैसों वाली बात चंद लोगों को मालूम थी। किसने बताया तुम्हें? बस ये समझ लें कि मैंने एक जिन काबू किया हुआ जिससे मुझे सारी बात पता चल जाती है। हाँ, ये काम तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिन वाला, क्योंकि तुमने वली खान जैसे इंसान को भी तो काबू में रखा है ना। लेकिन फिर भी आपसे एक बुढ़िया को बी जान काबू में नहीं आ रही है। उस बुढ़िया पे ज्यादा दबाव डाला तो फट जाए, और वैसे भी आबिद खान और मानूर की शादी के बाद उस बेचारी के पास बचेगा ही क्या। आप कुछ भी कह ले, लेकिन आपकी उस बीजान की किसी भी बात पर कम से कम मुझे तो भरोसा नहीं है, खासतौर से जब तक मानूर और आबिद का निकाह नहीं हो जाता। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? शक नहीं है, लेकिन मेरी छटीस मुझे बता रही कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होना। बीजान ये रिश्ता खुशी से करे या मजबूरी से, मैंने उसके पास को रास्ता बाकी छोड़ा नहीं है। बीजान की जान जिस तोते में है, वो तोता वली खान के कब्जे में है। बशीर ले, तेरे लिए खाना लाया हूं। पकड़। हाँ, इसको खा ली वरना सरकार तुझ पे बड़ा ही गुस्सा होंगे। बशीर, तू हमारा ख्याल कर, जिंदगी भर हम तेरा ख्याल कर। अबे यार देख, कोई मसला ना हो जाए। देख क्यों मसला होगा, डरपोक, डरता क्यों इतना, चुप कर। अबे कुत्ते ना हो। देख कुत्ते गार्ड्स आ जाएंगे, चुप कर। अभी गार्ड से डर नहीं लगता, कुत्तों से डर लगता है। ओके, कुत्तों से डर लगता है तो यहीं पे रह, मरवाएगा मुझे भी। यहीं पे रुक ना, मत मिस, मैं आता हूं। मैं तो मना कर रहा हूं, ना जाओ। चुप कर। अल्लाह
कौन? कौन है वहां पर? जल्दी खोले, मैं हूं अदील। गुल बाबा, गुल बाबा, क्या हुआ छोटी मालकिन, क्या हुआ? बाबा यहाँ यहाँ कोई है? कौन, कौन है, कौन है? चलते चलते जल्दी चल। हुआ क्या? वो किंग कॉन्ग आ गया। कौन किंग कॉन्ग? वही जिन जैसा गार्ड जो है। चल निकल। कोई भी नहीं है छोटी मालकिन, मैंने तो देख लिया। कुल बाबा है यहाँ पर, मैंने खुद देखा है। नहीं नहीं छोटी मालकिन, लगता है उस दिन के वाकये का आपके जहन पर असर हो गया है। आप परेशान नहीं हो, कोई नहीं है इधर। हवेली के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो आप तसल्ली रखो, आप आराम करो, मैं वो खादिमा को बाहर बिठा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं हो जाओ। ठीक है, आपको तो ये भी खबर है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी बीजान से मुलाकात हुई, क्या यह भी गलत है? आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन यह मुलाकात बेगम साहब के हुक्म पर हुई थी। और तुम मुझे बगैर बताए चले गए, क्यों? सर वो बेगम साहब ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि मुझे खबर हो। मुझे अंदाजा तो था कि फैक्ट्री में हड़ताल के पीछे बीजान का हाथ है, लेकिन तुम उनका साथ दोगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स को निकाल दिया, सिर्फ तुम्हें रखा, उसका यह सिला दिया तुमने मुझे। सर गलती होगी मुझसे, मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन सर यकीन करें मेरा हड़ताल से कोई तअल्लुक नहीं था। अच्छा। नसीर, बोलो रजाकार, तुम्हारी साजिश नसीब पे नकाब करे या तुम खुद बताओगे? बीजान के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन फैक्ट्री में साजिश करवाई, हड़ताल करवाई और उसके वस्तु में 5 लाख रुपए थे। सर मैं फैक्ट्री को बचाना चाहता था और बेगम साहिबा ने यकीन दिलाया था कि वो फैक्ट्री बंद नहीं होने देंगी। सर मुझसे गलती होगी सर, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दें सर। तो तुम्हें क्या लगता है इस घटिया हरकत के बाद तुम फैक्ट्री में रहोगे? सर सर ऐसा ना करें सर, सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये बात तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी। सर गलती होगी सर, आप जो बोलेंगे सर, जैसा बोलेंगे सर मैं करूंगा सर। आपकी खातिर सर मैं जान दे दूंगा सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे एक मौका दे दे, ये हमारे काम आएगा। तुम्हारी गलती ऐसी तो नहीं है कि उसे माफ किया जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी वफा साबित करने के लिए एक आखिरी मौका देता हूं। सर सर आप जो कहेंगे सर वैसा ही होगा सर। फैक्ट्री में हड़ताल तुम ही करवा, अब फैक्ट्री में हड़ताल खत्म भी तुम ही करवाओगे। मुझे मेरी फैक्ट्री में कल तक हर वर्कर, हर बंदा अपने काम पे वापस जाए।
जी बेहतर सर। बली खान की नजर में गद्दारे की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन तुझे एक मौका और मिला। जा। शुक्रिया सर। तुम भी जा। बेहतर सर। गुड। आपको पता है मेरा इतना दिल चाहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, आपको जूस बनाकर पिलाऊं, लेकिन अम्मा जानी किचन में जाने ही नहीं देती। कहती हैं कि मुझे किचन ही जमीनें संभालनी है। आपको पता है वो अब मुझे जमीनों पर ले जाना भी शुरू हो गया। अच्छा लगता है। लेकिन ये जो स्टूपिड गार्ड्स हैं, हर वक्त सर पर खड़े रहते हैं, उनकी वजह से मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन क्या कर सकती, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। दादू अगर आप मेरे साथ चलते तो कितना मजा आता ना। सॉरी, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। कि मैं रोज दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत बुरी, आपको हर्ट कर दिया। मैं ये बर्तन रख कर आती हूँ, अगर अम्मा जानी ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। तो वो वलीद अंकल के पास बैठी है और आपको पता है खूब लड़ाई हो रही है। मैं बर्तन रख कर आती हूँ। जी मैं हूँ अदील। हेलो। शायद किसी आने वाले के ख्यालों में गुम थी। शहजादी की शादी तय पा रही है अपने उस बंदे से। क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी बचपन में ही मैंने आबिद खान से बात रखी करती थी। आबिद खान से तुम्हारी मम्मी, हमारी मजबूरी भी है और जरूरत। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे, जीद करा दे।